Hello children, you are most welcome in Phull education classes. I am Reena here. आज हम शुरू करने जा रहे हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का सेकेंड चैप्टर. चिल्ड्रन, इससे पहले इस नॉवल का इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एज वेल एज फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड आई होप कि आपने बहुत अच्छे तरह से उन्हें देखा होगा. सो चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर. चिल्ड्रन, चैप्टर सेकेंड में डायरी एंट्री डाली है एनी ने June 24, 1942 की. ओके, एनी लिखती है कि डे वॉज स्वेल्टरिंग. स्वेल्टरिंग मीन्स एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा गर्म था. शी हैड टू वॉक एज ज्यूज वर नॉट अलाउड टू यूज व्हीकल्स. यू नो चिल्ड्रन की ज्यूज को कोई भी व्हीकल यूज करना अलाउड नहीं था, तो उसको पैदल जाना पड़ रहा है. बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यह बहुत ज्यादा गर्म है. ज्यूज वर अलाउड टू यूज ओनली फेरी. व्हाट इज अ फेरी चिल्ड्रन? इट इज अ स्मॉल बोट. तो ज्यूज खाली सिर्फ फेरी से ही कहीं आ जा सकते थे, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड. तो एनी का डच पीपल के बारे में क्या ओपिनियन है? एनी कहती है कि जो डच पीपल है दे आर ऑलवेज काइंड टूवर्ड्स द ज्यूज. तो वो डच लोगों को एक सिंपैथेटिक पीपल मानती है. अब एनी आगे मेंशन करती है हेलो सिल्बरबर्ग के बारे में. सो हु इज दैट हेलो सिल्बरबर्ग? तो एनी लिखती है कि व्हेन शी वाज क्रॉसिंग द बाइसाइकिल ट्रैक शी हर्ड समबडी वाज कॉलिंग हर फ्रॉम बिहाइंड. तो जब एनी पीछे मुड़के देखती है तो हेलो वहां खड़ा हुआ है. तो एनी को रिमेम्बर करती है, यानी याद करती है कि वो ऑलरेडी हेलो से विल्मास के घर में मिल चुकी है. एंड हु इज विल्मा? वो एनी की फ्रेंड है और हेलो विल्मा का सेकेंड कजिन है चिल्ड्रन. तो अब एनी हेलो के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बताती है. हेलो इज अ 16-year-old बॉय एंड ही इज गुड एट टेलिंग फनी स्टोरीज. आज वो एनी को रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसको स्कूल तक कंपनी दे सकता है. एनी कहती है यस. तो इस तरह से हेलो उसको स्कूल में कंपनी देता है, स्कूल तक छोड़ने जाता है. चिल्ड्रन, नाउ वी आर कमिंग ऑन वेंसडे July 1, 1942 की एंट्री में हम आते हैं जो एनी ने डाली है अपनी डायरी में. अब एनी अपने और हेलो के रिलेशनशिप के बारे में बात करती है कि एनी और हेलो की रिलेशनशिप पहले से बहुत बेटर हो रही है. हेलो के बारे में बताती है कि हेलो गेल्सन कर्शन जर्मनी में जो है वहां का रहने वाला है एंड वो अपने यहां जो हॉलैंड में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के संग रहता है. जो उसके पेरेंट्स हैं वो बेल्जियम में है. हेलो अब एनी को बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम उर्सुला है. ओके, तो एनी उर्सुला के बारे में लिखती है दैट शी इज परफेक्टली स्वीट एंड परफेक्टली बोरिंग. तो यहां पे हेलो की जो ग्रैंड मदर है वो सोचती है कि उर्सुला इज बेटर देन एनी फॉर हेलो. ओके, तो हेलो की ग्रैंड मदर हेलो को कहती है कि जो एनी है शी इज टू यंग फॉर यू. तो वो कहती है कि आप उर्सुला से ही अपनी फ्रेंडशिप रखिए. अब यहां पे कंटिन्यू है आगे चिल्ड्रन. हेलो एनी को ज्यादा लाइक करता है. एनी बताती है कि हेलो उसे ज्यादा प्रेफर करता है, उसकी कंपनी को ज्यादा प्रेफर करता है. बट एनी को ये लगता है कि हेलो की ग्रैंडमा वो उर्सुला को पसंद करती है. तो एनी हेलो की ओपिनियन जानना चाहती है कि उसकी क्या ओपिनियन है. एंड एज वेल वो ये भी पूछती है कि ग्रैंड मदर की और एडवाइस को फॉलो करो. तब एनी जो जवाब हेलो जो जवाब देता है उससे पता चलता है कि ही इज इन लव विद एनी. वो कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर. तो एनी को पता चलता है कि वो उसे लव करता है. अब आगे चिल्ड्रन हेलो के बारे में एनी के फैमिली मेंबर्स की क्या ओपिनियन है इसके बारे में एनी मेंशन करती है. एनी की जो मदर है वो हेलो को प्रेज करती है और कहती है आप गुड लुकिंग बॉय, नाइस एंड पोलाइट. एंड एनी एक इंसिडेंट के बारे में बताती है कि एक बार एनी एंड हेलो एक वॉक के लिए गए हैं नाइट में. एंड एनी आफ्टर 8 PM घर लौटती है. एंड यू नो चिल्ड्रन ज्यूज वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड आफ्टर 8 PM. तो मिस्टर फ्रैंक जो बहुत वरीड है अपनी डॉटर के लिए एंड ही गेट्स वेरी एंग्री. तो एनी को डांटते हैं. देन एनी प्रोमिस्ड हिम नेवर टू रिटर्न लेट, कि वो कभी लेट नहीं आएगी. तो ये जो इंसिडेंट एनी डिस्क्राइब करती है इसे हमें पता चलता है कि ज्यूज को कितना एक टॉर्चर किया जा रहा था, वो कितने एक परिस्थितियों से टफ सर्कमस्टांसेस से वो गुजर रहे थे. और एनी के फादर के बारे में पता चलता है दैट ही इज सो केयरिंग टुवर्ड्स हिज डॉटर. अब आगे संडे July 5, 1945 की है चिल्ड्रन ये एंट्री. एनी अपने रिजल्ट के बारे में मेंशन करती है. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि किस तरह से एनी और उसके फ्रेंड्स अपने रिजल्ट के लिए बहुत वरीड है, स्पेशली मैथ के लिए एनी वरीड है. तो एनी यहां पे अपने ग्रेड्स के बारे में बताती है कि उसको एक में डी मिला है, सी माइनस उसे एल्जेब्रा में मिला है एंड उसको बी ग्रेड मिला है ऑल द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स. तो उसका जो रिजल्ट है इट्स ओके, इट्स नॉट वेरी गुड बट इट्स ओके. नाउ एनी टेल्स अबाउट हर पेरेंट्स एटीट्यूड, कि उसके पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड है उसके ग्रेड्स के बारे में एक्चुअली. तो यहां पे एनी कहती है कि उसके पेरेंट्स जो है दे आर नॉट ट्रेडिशनल पेरेंट्स लाइक कि बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए. दे आर ओपन माइंडेड. यहां पे उसके जो पेरेंट्स हैं दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर डॉटर्स हैप्पीनेस हेल्थ एंड गुड बिहेवियर. उन्हें लगता है कि ग्रेड्स ना आए तो चलेगा लेकिन जो उनकी बेटी है शी शुड बी हैप्पी, शी शुड बी हेल्थी एंड गुड बिहेवियर एंड गुड बिहेव्ड.
एंड तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वो एक ओपन माइंडेड है. एंड देन मार्गरेट वॉज एज ब्रिलियंट एज एवर. मार्गरेट के बहुत अच्छे ग्रेड्स आए. अब आगे यानी मेंशन करती है कि उसके फादर बहुत अपसेट चल रहे हैं. वो ऑफिस से कुछ दिनों से घर भी लेट आ रहे हैं. वो अपसेट क्यों चल रहे हैं चिल्ड्रन? यू कैन गेस कि बाहर जो जूस के संग हो रहा है उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं. और वो ये बताते हैं दैट दे हैड टू गो टू हाइडिंग वेरी सून. तो एनी इस चीज को सुनकर बहुत डर जाती है एंड शी इज वेरी शॉक्ड. बहुत ज्यादा वो घबराई हुई है. नाउ वेंसडे जुलाई 8, 1942 की एंट्री है चिल्ड्रन. At 3 o'clock, a call-up notice was received by Margaret. A call-up notice का मतलब क्या होता है? Vision of concentration camp and lonely cells. तो जब call-up notice किसी को भी मिलता है तो वो कहां से आते हैं चिल्ड्रन? ये जर्मन अथॉरिटीज या उनके जो ऑफिस वगैरह है वहां से इनको भेजा जाता है. जिस पर्सन को कॉल अप नोटिस मिलता है जिसको भी, सो इट मीन्स दैट ही हैज टू गो टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप. तो यहां पे पहले ये जो दोनों डॉक्टर्स हैं इन्हें लगता है दैट द नोटिस इज फॉर योर फादर. बट आफ्टर मार्गरेट एनी को कहती है कि जो नोटिस है ये मार्गरेट के लिए है. मीन्स मार्गरेट हैज टू गो टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप. सो एनी बिगिन टू क्राई. वो बहुत डर जाती है. तो आप समझ रहे हैं कि उनकी जो फैमिली है शी इज अंडर गोइंग अ वेरी टफ सिचुएशन. तो यहां पे मिस्टर फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए वो पहले ही जो फिक्स टाइम है जिस दिन उन्हें सीक्रेट एनेक्स जाना है उससे पहले ही वो हाइडिंग प्लेस में जाने का डिसाइड करते हैं टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम दैट कॉल अप नोटिस के जो रिजल्ट से अपने को बचाने के लिए. सो चिल्ड्रन मार्गरेट एंड एनी अपनी पैकिंग को स्टार्ट करते हैं. तो यहां पे पैकिंग जब स्टार्ट होती है चिल्ड्रन यू नो कि क्या होता है. कभी आपने भी पैकिंग की होगी, कभी आप लोगों को भी घर शिफ्ट हुए होंगे. सारा सामान हम लोग चाहते हैं कि एक भी चीज हमारी ना छूटे बिकॉज हमें हर चीज बहुत प्यारी होती है. बट यहां पे सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है. दे हैव टू सेलेक्ट ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स. जो वो सारी चीजें वो कैरी नहीं कर सकते. ओके, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम. तो अपने जो इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स है उन बच्चियों की एनी की जो बिलोंगिंग्स है वो कॉम्ब है, ओल्ड लेटर्स हैं, कलर्स एंड कर्चीफ है, स्कूल बैग्स एंड नेचुरली उसकी स्पेशल डायरी है. इन चीजों को अपने स्कूल बैग में रखती है. इस तरह से वो पैकिंग करती है. मार्गरेट भी अपनी कुछ फेवरेट चीजें अपने स्कूल बैग में डालती है. नाउ चिल्ड्रन आगे एनी मीप का जिक्र करती है. मीप कौन है? वो उसके फादर के मिस्टर ऑटो फ्रैंक की कंपनी में 1933 से काम कर रही है. और मीप फ्रैंक फैमिली की बहुत ज्यादा लॉयल है, उनके प्रति फेथफुल है. तो मीप फ्रैंक हाउस में आती है. बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स हैं वो एक बैग में भरकर ले जाती है. अगेन वो अपने हस्बैंड जिसका नाम जेन गीज है उनके संग दोबारा वो फ्रैंक हाउस में आती है. एंड अगेन शी कैरीज सम मोर आइटम्स विद हर. तो उसके और उसके हस्बैंड बहुत सारे आइटम्स ले जाते हैं. इस तरह से धीरे धीरे वो सामान को शिफ्ट करें. नेक्स्ट मॉर्निंग 5:30 को एनी बताती है कि नेक्स्ट मॉर्निंग एनी की मॉम उसे वेकअप कॉल देती है. उसे बोलती है कि उठो, नाउ इट्स टाइम टू गो. तो एनी बताती है दैट दे वर रेडी टू गो रैप्ड इन लेयर ऑफ क्लोथ्स. लेयर ऑफ क्लोथ्स में ढके हुए हैं वो, बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं और वो जाने के लिए तैयार है. एनी कह रही है कि ऐसा लग रहा है सपोज हम रेफ्रिजरेटर में जाने के लिए तैयार हो रहे हो. ओके, सो एनी सेड गुड बाय टू हर कैट मूडजी. मूडजी को बहुत प्यार करती है बट शी कांट कैरी दैट कैट विद हर. तो उसे वो गुड बाय कहती है और वहीं छोड़ती है. नाउ थर्सडे जुलाई 1942 की एंट्री है चिल्ड्रन. अब ये बाहर बारिश हो रही है. पीपल वर गिविंग देम सिंपैथेटिक लुक. व्हाई सिंपैथेटिक लुक पीपल वर गिविंग टू देम? बिकॉज दे न्यू दे वर ज्यूज एंड दे न्यू देयर सिचुएशन. लेकिन वो उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं. दे वो हेल्पलेस बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू हेल्प ज्यूज. तो खाली एक उनको सिंपैथेटिक लुक ही दे सकते हैं. आगे एनी बताती है चार लोगों के बारे में जो उनके इस सीक्रेट एनेक्स में अराइवल है उसको जानते हैं. बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. नेचुरली इट इज अ बिग सीक्रेट जो उन्हें किसी को ओपन नहीं करना है. तो उन चार पीपल में है मिस्टर क्यूगलर, मिस्टर क्लीमैन, मीप एंड अ 23 ओल्ड टाइपिस्ट बेन वॉस्जिल. वो उनके अराइवल के बारे में जानते हैं. अगेन जुलाई 10, 1942 को एनेक्स के बारे में वो एनेक्स पहुंचते हैं. तो एनेक्स के बारे में एनी बहुत सारी चीजें बताती है. जो रूम्स है वो बहुत ज्यादा स्टफ्ड है. वहां पे सामान फैला हुआ है. फ्रेंड फैमिली रीच द अर्लियर क्योंकि वो पहले पहुंच जाते हैं ना. तो चीजें वहां पे अरेंज नहीं हो पाई हैं. जो उनके हेल्पर्स हैं वो चीजों को ढंग से नहीं रख पाए. सो नेचुरली अब उन्हें हैबिटेबल बनाने हैं उन रूम्स को क्योंकि चीजें सारी फैली नहीं. इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर देम. तो एनी और उसके फादर चीजों को अरेंज करते हैं. सारी चीजों को उनके ऑर्डर से और प्लेस में रखते हैं. एनी की जो मदर एंड सिस्टर है दे आर सो टायर्ड, सो एग्जॉस्टेड कि वो कोई भी काम नहीं कर रही है एंड दे आर टेकिंग रेस्ट. एनी लिखती है एनी के फादर ब्लैकआउट स्क्रीन के ऊपर वर्क कर रहे हैं. यू नो चिल्ड्रन ब्लैकआउट स्क्रीन बहुत सारी चीजें हमें बताती है. ब्लैकआउट स्क्रीन मीन्स द स्क्रीन विच डोंट अलाउ लाइट्स टू पास थ्रू. तो ये यानी कि फादर अपनी विंडोज में लगाएंगे ताकि कोई भी लाइट अंदर से बाहर ना जाए. तो ये बताता है कि उनको कितना ज्यादा छुप के रहना पड़ रहा है कि कुछ भी किसी को हिंट ना मिले कि somebody is living there. नाउ चिल्ड्रन सैटरडे जुलाई 11, 1942
42 की एंट्री ये एनी ने डाली है. अब ये जो क्लॉक के साउंड के बारे में बात करिए, चिल्ड्रन इसको ध्यान से सुनिए, चीजें हमें बहुत सारी चीजें बताती है, एनी के कैरेक्टर के बारे में बताती है तो, और वो जो सर्कमस्टांसेस है उनके बारे में बताती है. क्योंकि आप ध्यान से सुनेंगे तो जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो ये आप ये नोट्स को ही आप आंसर में कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे जो क्लॉक का साउंड है वो डिस्टर्बिंग है एनी की मदर और मार्गोट के लिए, वो पसंद नहीं कर रही है, लेकिन एनी के लिए एक रीअश्योरिंग है ये साउंड. एनी को इससे बहुत ज्यादा एश्योरेंस मिलती है, स्पेशली एट नाइट टाइम जब लोनलीनेस वो ज्यादा फील करते हैं कि हाँ समथिंग इज देयर, सम साउंड इज देयर, क्योंकि बाहर का कोई भी साउंड वो नहीं सुन सकते हैं, तो क्लॉक की आवाज उसको एक बहुत कंपनी देती भी लगती है. अब एनी एनेक्स के बारे में दो चीजें मेंशन करती है. चिल्ड्रन ये भी ध्यान से सुनिए क्योंकि ये दो पॉइंट्स बताते हैं एनी के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि कैरेक्टर के बारे में नॉवल में अलग से तो कोई कॉन्टेंट दिया नहीं है कि एनी का कैरेक्टर कैसा है. हमें जगह जगह उसके बारे में जो भी वो सेंटेंस लिख रही है, जो भी कोट कर रही है, उससे पढ़कर हमें उठानी है पॉइंट्स कि उसका कैरेक्टर कैसा है. तो फर्स्ट चीज लिख रही है एनेक्स के बारे में, इट इज मोर लाइक बींग ऑन वैकेशन इन सम स्ट्रेंज पेंशन, कि लगता है कि हम वैकेशन पे हैं, स्ट्रेंज पेंशन में. एंड वॉट इज अ पेंशन चिल्ड्रन, फ्रेंच में इसका मतलब होता है स्मॉल होटल और स्मॉल रूम. ओके, तो उसे लग रहा है कि हम वैकेशन में हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट जो दे रही है एनेक्स के बारे में, दैट एनेक्स इज एन आइडियल प्लेस टू हाइड, तो इसको आइडियल प्लेस कह रही है. ये जो दो सेंटेंस ये बताते हैं दैट एनी इज अ वेरी एडजस्टिंग गर्ल एंड शी गेट्स adopted to the circumstances, new circumstances, और वो कोई भी tantrum throw नहीं कर रही अपने parents पे, जिस तरह से बच्चे थोड़ा angry होते हैं कि भाई हमें यहाँ comfort नहीं है या इस तरह से नहीं है. so she is very adjusting and very compromising girl. नेक्स्ट है संडे जुलाई 12, 1942 की एंट्री. एंड चिल्ड्रन आप साथ में देख रहे हो, कुछ फोटोग्राफ्स भी लगाए हैं हमने, वो इसलिए लगाए हैं सो दैट यू कैन मेमोराइज बेटर, क्योंकि फोटोग्राफ्स हैं कि जब आप एग्जाम में लिखोगे तो यू कैन लिंक द दीज फोटोग्राफ्स विद द आंसर यू आर राइटिंग विद, तो एक फनी वे भी हो जाता है ना, एक लाइट वे हो जाता है स्टडी का, इतनी सीरियसनेस से ना पढ़ के हम लोग फनी वे में पढ़ते हैं, तो फोटोग्राफ्स भी मैंने इसलिए डाले हैं. अब एनी आगे लिखती है डिफरेंसेस के बारे में, जो उसका अपनी मदर और सिस्टर से रिलेशनशिप के बारे में. अब एनी को लगता है कि जो उसकी मदर है वो बायस है और वो अब उसकी सिस्टर मार्गरेट को ज्यादा प्यार करती है. एंड चिल्ड्रन यहाँ पे जो एनी की साइकोलॉजी है ये भी ध्यान से सुनिए, कैरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं ना उनकी जो साइकोलॉजी होती है, पेरेंट्स डोंट रियलाइज कि वो बच्चों को जब डांट देते हैं तो कितना हार्ड करते हैं. तो एनी यहाँ पे एक रिप्रेजेंट करती है चिल्ड्रन साइकोलॉजी को और चिल्ड्रन के जो अपने इमोशनल क्राइसिस होते हैं जो पेरेंट्स कभी समझ ही नहीं सकते हैं. तो यहाँ पे वो बता रही है कि उसकी सिस्टर को मदर ज्यादा प्यार करती है, जबकि पेरेंट्स तो बच्चों को बराबर प्यार करते हैं, बट एनी को ऐसा लगता है. तो यहाँ पे एनी इंसिडेंट उसे मेंशन करती है कि एक बार मार्गोट से कोई वैक्यूम क्लीनर टूट जाता है तो एनी उसको उसकी सिस्टर को डांटती नहीं है, शी डजंट गेट एंग्री विद हर सिस्टर. लेकिन एक बार एनी इंसिस्ट करती है कि उसको मदर की कोई शॉपिंग लिस्ट है, उसमें एनी कुछ लिखना चाहती है, सो मदर डजंट अलाउ हर टू राइट एनीथिंग ऑन इट. तो एनी को बहुत बुरा लगता है, तब एनी को ये लगता है कि नो, मदर प्रिफर्स मार्गोट टू एनी. तो इस तरह से मदर से वो नाराज रहती है और उसके अंदर कुछ एक इंजुरीज हैं वो क्रिएट हो जाती है मदर के अगेंस्ट. अब यहाँ पे आगे लिखती है वो मूर्जी जो उसकी कैट है उसको मिस करती है, इवन शी क्राइज व्हेनेवर शी इज अलोन, और उसको बहुत मिस करती है. अपने फादर के बारे में लिखती है दैट इज फादर इज वेरी गुड विद हर एंड उसको सपोर्ट करते हैं और फादर के संग उसका रिलेशन बहुत अच्छा है. एंड चिल्ड्रन आगे आइए फ्राइडे August 14, 1942 की एंट्री है. इसमें भी कुछ फनी फोटोज मैंने डाली हुई है, उनको देखिए. विंडाउन फैमिली अब सीक्रेट एनेक्स में पहुंचती है July 13 में, तो ये भी अर्लियर देन द फिक्स टाइम पहुंचते हैं बिकॉज उनको भी कॉल अप जो नोटिस आ रहे हैं उससे उनको डर लगता है. पीटर विंडान उनका जो सन है 15-year-old चाइल्ड है, ही इज शाई इन आर्टिकुलेट एंड ऑकवर्ड है, इन आर्टिकुलेट इन द सेंस दैट ही कांट एक्सप्रेस हिज फीलिंग सो वेल एंड सो बहुत ज्यादा शाई है. तो एनी को नहीं लगता कि उनकी कोई अच्छी रिलेशनशिप ग्रो करेगी. मिस्टर विंडान उन्हें आउटसाइड इंसिडेंट्स के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से जूस को तंग किया जा रहा है. तो मिस्टर वेंडान उनको, मिस्टर गोल्डस्मिथ है एक कैरेक्टर है उनके बारे में भी बताते हैं. अभी मिस्टर गोल्डस्मिथ कौन है, ये टीनेंट है मिस्टर फ्रैंक के. तो ही इज वरीड अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ फ्रैंक फैमिली, कि फ्रैंक फैमिली कहाँ है. तो मिस्टर वेंडान जब फ्रैंक हाउस गए थे एनेक्स में आने से पहले, तो वो किस तरह से उनको कन्विंस करते हैं गोल्डस्मिथ को, मिस्टर गोल्डस्मिथ को. तो एक्चुअली एक नोटपैड मिस्टर वेंडान को दिखता है फ्रैंक हाउस में पड़ा हुआ, उसमें मास्ट्रिज एक एड्रेस लिखा हुआ है. मास्ट्रिज कहाँ है चिल्ड्रन, ये हॉलैंड में ही है. तो वो फटाफट एक स्टोरी कुक करते हैं, तो वो ये बताते हैं मिस्टर गोल्डस्मिथ को कि शायद वो एक ऑफिसर की हेल्प से, एक हाई रैंक ऑफिसर है जो मास्ट्रिज में ही पोस्टेड है, उसकी हेल्प से वो स्विट्जरलैंड जा चुके हैं, एस्केप कर गए हैं, यहां से चले गए हैं. इस तरह से वो उनको कन्विंस करते हैं. और इसके अलावा विंडान बताते हैं कि बहुत सारे र्यूमर्स उनके फैमिली के, फ्रेंड फैमिली के बारे में फैले हुए हैं कि किस लोग तरह तरह के गेस कर रहे हैं कि वो कहां गए हैं. इस तरह से चिल्ड्रन ये हमारा जो ये सेकेंड चैप्टर है हम यहां फिनिश करते हैं विंडान अराइवल तक. तो चिल्ड्रन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि
आप ये जो 20 स्लाइड्स हैं इनको ध्यान से देखें एंड चिल्ड्रन हमारी टीम बहुत अच्छा एफर्ट करी है हम लोग बहुत कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे आपको नोट्स मिले और चिल्ड्रन हम लोग कोशिश करें कि आपको पूरा 10th का पैकेज हम लोग दें और बहुत कम समय में थोड़े समय में और आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं चिल्ड्रन अगर आप इनको ढंग से इन वीडियोज को देखते हैं और जो भी मैं नोट्स यहाँ पे दे रही हूँ वो ढंग से करते हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड प्लीज डू राइट टू मी आई ऑलवेज नीड योर सपोर्ट आत्मा नमस्ते।